नमस्कार दोस्तों, SRKB माइनिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 MCQ पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 41 to 50। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करवा दिया है। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट को देख ले, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डीप होल ब्लास्टिंग में कितने गहरे होल ड्रिल किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर एंड ऑप्शन डी 5 मीटर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लोजिव एक्ट का निर्माण कब हुआ, एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना था। ऑप्शन ए माइंस एक्सप्लोजिव एक्ट 1889, ऑप्शन बी माइंस एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, ऑप्शन सी इन 1984 एंड ऑप्शन डी इन 1989। इसका आंसर क्या होगा? 1884, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा 42 का, माइंस एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, फेस का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए गैलरी, ऑप्शन बी मूविंग फ्रंट, ऑप्शन सी इन बाय एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फेस का क्या अर्थ होता है? फेस में गैलरी भी होती है, वो मूविंग फ्रंट भी, इन बाय एंड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फेरी सीम क्या है बताइए। ऑप्शन ए अंडरग्राउंड वर्किंग में फायर, ऑप्शन बी ओपन कास्ट में फायर, ऑप्शन सी स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फेरी सीम क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फेरी सीम हमारा अंडरग्राउंड वर्किंग में फायर भी है, ओपन कास्ट में फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन बी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन सी 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, ऑप्शन डी 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या कहलाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, फ्लेम प्रूफ एपरेटस का अर्थ क्या है। फ्लेम प्रूफ जो एपरेटस होता है उसका अर्थ क्या है बताना है। ऑप्शन ए ऐसा उपकरण जिससे आग लगने का खतरा ना हो, ऑप्शन बी ऐसा उपकरण जिससे इतनी मात्रा में चिंगारी निकलती है जिससे आग ना लग सके, ऑप्शन सी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्लेम प्रूफ एपरेटस क्या है, वो ऐसा उपकरण है जिससे आग लगने का खतरा नहीं होता है और इतनी कम मात्रा में चिंगारी भी निकलती है कि जिससे आग ना लगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, दोनों, ठीक है। 46 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47, बैंक्समैन कहाँ तैनात होता है। ऑप्शन ए इनसेट, ऑप्शन बी पीट बॉटम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी सरफेस, ठीक है। तो बैंक्समैन कहाँ तैनात होता है? सरफेस पे, ठीक है। तो 47 का आंसर डी सरफेस। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर्म का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए CI चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर एंड ऑप्शन डी ओनर। तो फॉर्म का जो निर्धारण है वो कौन करता है? चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, CI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गैस को क्या कहा जाता है। गैस को और किस किस नाम से बोलते हैं। ऑप्शन ए गैस ही बोलते हैं, ऑप्शन बी स्मोक, ऑप्शन सी स्टीम एंड ऑप्शन डी ऑल। तो देखिए गैस को हम लोग गैस भी बोलते हैं, स्मोक भी और स्टीम भी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए वर्किंग प्लेस, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी डी पिलरिंग एंड ऑप्शन डी कोल एक्सट्रैक्टेड एरिया। तो गोफ के अंतर्गत क्या आते हैं? गोफ के अंतर्गत आते हैं कोल एक्सट्रैक्टेड एरिया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।